बच्चे? वेरी गुड, आई एम फाइन। अच्छा, ये मैम से भी पूछ रहे थे, मैम आप कैसे हैं? हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। और ये सारे बच्चे जरा सुनीता मैम से भी पूछ लो, मैम हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? हाँ, वेलकम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने थैंक यू इसलिए कहा क्योंकि आपने मेरा हाल पूछा, तो थैंक यू फॉर आस्किंग। ऑल राइट, तो तैयार हैं आज के लेसन के लिए? वेरी गुड, ऑल हाँ जी। अभी आज हमें क्या हो गया? ओके, कार्तिक हमें मैम से बैठा लेटर दिखाऊंगी और वो मुझे एक्चुअल अकाउंट बताएगा, ठीक है? हम देखेंगे कि कार्तिक को याद है कि नहीं। कार्तिक ये रहा, कार्तिक आपके सामने क्या है ये? क्या उधर देख के बोलो, उधर उनको अपने दोस्तों को बताओ क्या है ये? W, और W का साउंड और एक्शन कैसे होता है? बताओ। कैसे होता है कार्तिक? W और U का एक्शन। हाँ, और साउंड क्या होता है? जरा बताइए कार्तिक को, आपको याद क्यों नहीं है कार्तिक? उसका बड़ा फोटो लाल क्यों नहीं है? ओके, अब हमारे सामने है हाँ, इसका एक्शन कैसे होगा? एक्शन और साउंड दोनों। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये क्या है हमारे सामने? हाँ, ये कैसे होता है? और ये क्या है? ये इसका साउंड और एक्शन क्या होता है? वेरी गुड, आवाज नहीं आ रही पर मुझे। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ये मतलब बच्चों को याद है, वेरी नाइस। अच्छा, आप मुझे बताइए, हमने ट्यूसडे को कौन सा ब्लेंड किया था? उसको ब्लेंड भी बोल सकते हैं, डायग्राफ भी बोल सकते हैं। क्या क्या किया था हमने? वेरी गुड, ए आई का साउंड क्या है और एक्शन क्या है? एक्शन कैसे है करके दिखाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। आज हम एक न्यूज आज हम एक न्यू साउंड क्या करेंगे? न्यू साउंड, नया साउंड करेंगे, और वो है जब ओ आ आ आ आ और मिल जाते हैं। जब ओ और ए मिल जाते हैं, क्या साउंड बनाते हैं?
बस। लेकिन जब ओ और ए मिल जाते हैं तो क्या साउंड बनाते हैं? पहले तो हम बोल देते हैं ये नहीं कर रहे अभी हम करेंगे क्या साउंड करना है अभी आज हमने कौन सा साउंड है नहीं रुक जाइए आपकी मैम कहाँ है मैडम है उनके साथ ही में साइड में है नहीं मुझे साइड में नहीं मुझे आप पीछे चाहिए जहाँ मुझे आप नजर आ सके और हमारे सेंटर प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा मैम कैमरा चालू ही हो रहा है मैम हेलो पर आपका तो कैमरा नहीं चल रहा है अच्छा अच्छा हाँ जी मैम ओके तो हम कर रहे हैं आज ओ ए ओ ए में हमारा जो साउंड है जब ओ और ए मिल जाते हैं तो हमारा क्या साउंड है क्या साउंड होगा हमारा ओ ओ क्या साउंड होगा ओ और जैसे हम किसी चीज को देख के हैरान होते हैं ना आते आज हम क्या साउंड कर रहे हैं जब ओ और ए मिल जाते हैं तो क्या साउंड होता है ओ एक्शन कैसे होता है कैसे देखिए जब हमने ए और आई मिलाया था तो उसका साउंड क्या था ए ए आई तो उसमें हमने क्या मिलाया था ए और आई ठीक है उसका साउंड था ए और आज हम जो कर रहे हैं वो है ओ और ए जब मिल जाते हैं तो क्या साउंड होगा मुझे आप एक्शन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं बच्चे सामने बच्चा है मुंह पे हाथ देखो मैंने टच किया है क्या मुंह को नहीं टच करना चलिए जरा ओ के साउंड से हम क्या वर्ड्स बना सकते हैं कोई वेरी गुड क्या वर्ड बताया हमें ऑरेंज कैसे होगा ऑरेंज में ओ ए इकट्ठे आया है क्या Orange.
ऑरेंज कैसे होगा बेटा? और तो हम तो ओ ए की बात करेंगे, हमें ओ ए इकट्ठा चाहिए। कैसे तो क्या होगा इधर आओ, सबको बताओ क्या वर्ड हो सकता है? बोट टीचर सी ओ ए टी को गोट। ओके, एक ने गोट भी कहा था, गोट है ना? और क्या हो सकता है? कोट हो गया, गोट हो गया, बोट हो गया, और क्या हो सकता है? कोट हो गया, गोट हो गया, बोट हो गया, वेरी नाइस, और क्या हो सकता है जरा सोचिए तो। अच्छा देखिए, आओ इधर आओ कार्तिक। कार्तिक ने कहा मैम डॉट भी तो एक वर्ड है, तो क्या डॉट में कौन सा साउंड है डी के बाद? का साउंड है। हम क्या साउंड करें? ओ। तो क्या ओ का साउंड है इसमें? डोट है क्या? डोट तो नहीं है, यह है डॉ डॉ डॉ। हमें डॉ का साउंड नहीं करना है, हमें ओ ओ का साउंड करना है, ओ। तो कैसे फर्क पता चलता है हमें कि ओ है कि ओ है? कि हमारे पास हमने जो वर्ड लिखना है उसमें ओ लिखना है कि ओ ए लिखना है, कैसे पता चलेगा हमें? समर्थ आप क्या कर रहे हो? तो मैं पढ़ा रही हूँ, वो तो आप पढ़ नहीं रहे, आप तो कुछ और ही कर रहे हो। तो ओ ए है कि ओ है ये कैसे पता लगेगा हमें? ओ जहां पे लगता है जब वर्ड में हम ओ लगाते तो ग अ ट ग ग अ, इसमें अ का साउंड है, ओ का अ अ अ। लेकिन जब हम लिखते ओ ओ ओ इसमें क्या साउंड है? ओ और ए, ओ। इसका मतलब जब कोई भी लेटर ओ साउंड होते हैं बेटा, जैसे ये रामनगर सेंटर के बच्चे कि कॉपी के साथ खेलना बंद कर दो और जो भी समझा रहे हैं जरा ध्यान से समझिए। कॉपी के साथ नहीं खेलने वैष्णवी, अब देखो कई बच्चों का स्कूल में नाम होता है कुछ और घर में नाम होता है कुछ और, है ना? ऐसे कोई बच्चे हैं जिनका स्कूल में अलग नाम है और घर में मम्मा पापा किसी और नाम से बुलाते हैं, है? रोशनी का घर में क्या बोलते हैं आपको? रोशनी शिवांगी। घर में रोशनी को शिवांगी बोलते हैं, लेकिन स्कूल में इसका नाम रोशनी है। तो इसके दो नाम है, कितने नाम है? दो नाम है। बैठो,
ऐसे आपके भी दो नाम है, आपका क्या क्या नाम है? दो एक ही वाला। ऐसे ही हर लेटर के, देखो हर लेटर के दो साउंड होते हैं। अब जैसे मैं आपको क्या लेटर दिखा रही हूँ ये आप मुझे बताओ, एक मिनट इसको हम टॉप शेयरिंग करते हैं और जरा हम इसको, ये बताइए ये कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर है? ए। ए। इसका एक नाम, लेटर का जो नेम है क्या है? ए। और इसका अगर हम फोनिक साउंड, फोनिक साउंड है क्या है, फोनिक साउंड क्या है? तो जब हम खाली लेटर ए अपने किसी वर्ड में लगाते हैं, जैसे हमने लिखा पैन, क्या लिखा? हमने लिखा पैन, इसमें जो मैंने ए लगाया, इसमें ए जब हम लगाते हैं तो उसमें कैसा साउंड है? लेटर का साउंड है पैन, कि फोनिक साउंड से हमें पता लगता है कि ए है। क्या है, कौन सा साउंड है इसमें? ए का साउंड मतलब क्या साउंड है? फोनिक साउंड जो हम करते हैं ए, लेकिन यही ए के साथ ए क्या साउंड बनता है? ए। अरे बेटा रामनगर सेंटर, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? समझाया, जरा समझाइए मेरे को, क्या समझ आइए बताइए, कौन समझाएगा मेरे को बता। जो समझ आया हाँ जी, तो सारे बच्चों ने कहा, अब किसके क्या समझ में आया, एक बच्चा जरा मुझे समझा दो, चलिए जल्दी से, किसको क्या समझ आया? सबने हाँ जी कहा, अब मेरे को समझाओ तो क्या समझ आया, बताओ दिव्या, बताओ ना अभी मैडम ने जो बोला है वो बताओ। सांगमाड़ी सेंटर, आपको क्या समझ आया, क्या समझ आया? दाएं बाएं देखने से कुछ समझ नहीं आएगा, सामने देखो और मुझे बताओ क्या समझ आया। जानी माही, नोटबुक नीचे रखो ना, देखो बेटा इसीलिए मैं कहती हूँ कि ध्यान से सुनिए और नहीं समझ आए तो पूछिए, पूछने में कोई गलती नहीं है, पर बिना समझे आगे मत बढ़े, कोई फायदा नहीं है उसका, पूछो बेटा, नहीं समझ आएगा तो पूछो। देखो बेटा जो हमारा लेटर ए है, ये लेटर ए है, इसका एक नाम है, हमें पता है लेटर का नाम क्या है, ए, लेकिन इसका फोनिक साउंड भी है, वो है ए। तो जब हम इस लेटर का इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स में, जब हम खाली अकेले इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका साउंड है ए। जैसे हमने इसको पा 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 न, जब हमने प ए न, तो ए, जब हमने यहाँ पे ए लिखा तो हमने लेटर ए तो लिखा, लेकिन इसकी आवाज जो है वो क्या है, साउंड जो है वो इसका फोनिक साउंड है ए, ए, ए। तो जब हम कभी वर्ड लिखते हैं जैसे कैन, अब हमें पता है ख के बाद ए का साउंड है, और ए किसका साउंड है, लेटर ए का, तो
झैन है ना। और बताइए रैन र अब अगर मैं रैन को आई एन कर दूं तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है ये आप मालवाड़ ये क्या नाम है रामनगर सेंटर एंड संगमवाड़ी सेंटर क्या लिखा मैंने ये बता। रैन है ये क्या है, अगर ये रैन है तो रेनो नहीं मैम आप नहीं बताएंगे ये बच्चों को खुद बताना है। मेरा वर्ड है एक वर्ड है सीधा बैठिए क्या लिखा मैंने बताइए क्या लिखा है संगमवाड़ी सेंटर क्या लिखा है मैंने बता मैम इनकी आवाज नहीं आ रही है। अब मैंने क्या लिखा अभी क्या लिखा बताओ ये क्या है ये जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं क्या है बात क्या है देखो ना बोलो ना क्या वर्ड है ये बताइए पैन है ये नंबर वन पैन है तो ये नंबर टू क्या है पेन पेन कौन बोल रहा है जोर से बोलिए जो भी बोल रहा है जरा हाथ खड़ा करिए हाथ खड़ा करिए किसने बोला पेन वेरी गुड बेटा आगे आओ आगे आओ जरा ताकि मैं आपको देख भी सकूं और सुन भी सकूं। वेरी गुड गुड गर्ल बिल्कुल सही पढ़ा। आप मेरे को एक चीज बताओ बेटा अगर हमने पी ए एन को एक की आवाज कैसी है कैसी है और इस पे हमने अगर आई लगाया तो हमारी क्या साउंड बन गई इसकी आई 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 मतलब ए की साउंड समर्थ स्टॉप डूइंग दैट ए की साउंड मतलब इसमें ए लेटर ए जो हम बोलते हैं पढ़ते हैं ए हे हे जहां पे ए की आवाज आए मतलब लेटर ए तो है ही है क्या है आई ए और आई मिलके लेटर का साउंड बताता है ए ए ए ए का आवाज आ रहा है ना हे इसको हैन क्या है ए आई नहीं है बीच में आई लगाएंगे तो हे पैन बदल के पेन हो जाएगा पर यहाँ पे ए का साउंड सोनिक साउंड है पैन, 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 लेकिन यहाँ पे क्या है ए ए ए तो देखिए एक जगह पे फोनिक साउंड है एक जगह पे लेटर का साउंड है लेकिन जहां पे लेटर का साउंड है उसके साथ में आई जरूर लगेगा क्या लगेगा ए और आई इकट्ठे मिलके ए साउंड बनाता है ए हे अब समझ आया कुछ कुछ समझ आया बड़ी सेंटर कुछ समझ आया आवाज नहीं आई मुझे रामनगर सेंटर आपको समझ आया बेटा ओके अब ऐसे ही जैसे हमने ए में देखा कि ए में लेटर का साउंड और फोनिक साउंड तो फोनिक साउंड है तो खाली ए
लेटर का साउंड है तो ए और आई मिल जाता है। ऐसे ही जब हम ओ और ए मिल जाए तो क्या साउंड है? ओ। क्या साउंड है? ओ ओ ओ क्या साउंड है? ओ ओ इसमें ओ लेटर ओ का साउंड है। ओ नाम जो है वो ही साउंड, लेकिन जब बोलते हैं तो ओ तो क्या साउंड है? ग ग ग यानी के फोनिक साउंड है। कौन सा साउंड है? फोनिक साउंड है। गॉट में क्योंकि ये ओ जो है अकेला है, ये ओ जो है अकेला, जब ओ अकेला है तो क्या है? फोनिक साउंड है अ अ अ अ। लेकिन जब ओ के साथ जब हम लिखते हैं गॉट को, अगर हम O A T क्या बन जाता है? O O तो क्या साउंड है? ग के बाद क्या साउंड है? O तो O जब साउंड है तो मतलब O और A इकट्ठा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? O और A इकट्ठा आएगा। क्या आएगा? क्या होगा? ओ और ए एक साथ हो जाएंगे। जब ओ और ए एक साथ लिखते हैं तो क्या साउंड है? ओ। इसका एक्शन भी अलग है। ओ तो जब मैम ऐसे करे ओ तो मतलब ओ और ए एक साथ है। चलिए अब जरा हम कुछ वर्ड बनाएं इसे। हाँ बताओ। गॉड गोट। ओके स्पेलिंग बताओ गोट के। जी ओ ए टी गोट। वेरी गुड। आप बताओ, आप रोशनी आप क्या वर्ड बता रहे थे? गोट। ये कह रही है बोट। स्पेलिंग बताओ। जी ओ ए टी गोट। और बताइए। गोट गोट। वेरी गुड। स्पेलिंग बताओ। सी ओ ए टी। वेरी नाइस गोट। वेरी गुड। और कुछ देखो और बताओ। अच्छा अपनी क्लास में देखो जरा, कुछ नजर आ रहा है ऐसा कुछ जिसमें ओ ए? आपकी क्लास में कोई ऐसी चीज? संगमवाड़ी सेंटर क्लास में देखिए। क्या नजर आ रहा है क्लास में? कुछ नजर आ रहा है? वेरी गुड। क्या होता है? वेरी गुड। कार्तिक आपने बताओ। गोड 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 क्या है वो? देखो सुनीता मैम के पास भी पीछे क्या है? गोड क्या है ये? बोर्ड। तो क्या स्पेलिंग होंगे इसके बोर्ड के? बी ओ ए डी बोर्ड होता है कि बोर्ड? Board. A O A के बाद क्या आएगा? Very good रोशनी। Board. तो क्या आएगा O A के बाद? क्या आएगा बताओ? Board तो किश्ती बन गई। ये क्या होगा? Board। आपके क्लास में बोर्ड है मैम जिस पे लिखती है? बोर्ड ब्लैक बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड या व्हाइट बोर्ड कुछ भी? मैम का बोर्ड है जी। उसे क्या बोलते हैं? बोर्ड थोड़ी बोलते हैं, बोर्ड।
क्या बोलते हैं? बोर्ड। बो ब ओ, इसके बाद क्या आएगा? और बोर्ड क्या आएगा? बोर्ड। अच्छा आप बताइए, आप बताइए, स्कूल आते हैं रोज? रोज स्कूल आते हैं? तो कैसे आते हैं? कार में, बस में, पैदल चल के कैसे आते हैं? चल के। तो किस पे चल के आते हैं? रोड। वेरी गुड। किस पे चलते हैं? रोड। तो कौन बताएगा स्पेलिंग मुझे रोड के? R-O-A-D. Very good. R-O-A-D. Road. Very nice. Road. अच्छा और बताइए और क्या होता है? अच्छा ये बताइए, जब खूब अच्छा ये पहले बारिश को भी छोड़ो, ये बताओ किस किस को पुराने पेज से किश्ती बनानी आती है, बोट बनानी आती है? बोट बनानी आती है पेपर से? कागज से किश्ती बनानी आती है? किस किस को आती है? हाथ खड़ा करें, किस किस को आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। बैठिए। फिर क्या करते हैं उस किश्ती का, बना के उस किश्ती को क्या करते हो? पानी तैराते हैं। पानी में तैराते हैं। तो जब वो किश्ती पानी पे तैरती है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? उस तैरने को, जो पानी पे तैरती है वो, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? हैं? नहीं, फ्लोट। क्या कहते हैं? फ्लो। फ्लो, फ्लो, फ्लो में क्या आएगा? क्या लिखे फ्लो में? फ्लो। फ्लो के क्या स्पेलिंग होंगे? रोशनी। क्या होगा फ्लो? वेरी गुड, वेरी गुड। संगमवाड़ी सेंटर, आवाज तो नहीं आई पर मेरे को आपका मुंह हिलते हुए नजर आ रहा था। फ्लो, फ्लो, ओ, ओ मतलब ओ और ए, और इसके बाद क्या आएगा? फ्लोट। वेरी गुड। फ्लोट क्या होगा? फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब जब कोई चीज किसी, जब कोई चीज पानी पे तैरती है तो उसे हम बोलते हैं फ्लोट। क्या बोलते हैं? तो नाव क्या करती है? फ्लोट। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमने आज कुछ वर्ड्स किए, इसमें हम एक वर्ड और कर सकते हैं। आपने कभी मम्मा को कपड़े धोते देखा है? तो मम्मा कपड़े धोने से पहले उन सारे कपड़ों को क्या करती है? पानी में, पानी में और साबुन में। वेरी गुड। क्या करते हैं? पानी में डाल के रखती है ना कपड़ों को कुछ देर, रखती है पानी में कुछ देर, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पानी में भिगोना। क्या बोलते हैं? भिगोना। जब हम किसी कपड़े को या किसी चीज को पानी में भिगोते हैं या पानी में डुबोते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोल रहे हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? अच्छा मैं लिखूंगी, आप पढ़ के बताएंगे, ठीक है? मैं लिखूंगी, आप पढ़ के बताएंगे। सो क्या हुआ? सो। तो अब देखो बेटा, ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब में क्या साउंड है? सो।
go, bo, ro, lo. तो ओ का साउंड है लेकिन हर जगह ओ के साथ क्या लगा हुआ है, ए, ए. तो ये जब आप कभी भी ओ का साउंड होगा वर्ड में तो मतलब उसके साथ ए लगना ही लगना है, ठीक है. अब हमने कहा स्टोक, ऐसा ही एक और वर्ड है, क्या लगाऊं यहाँ पे, क्या बन जाएगा, क्या लगाऊं इसके साथ, क्या बन जाएगा. नहाते समय हम क्या लगाते हैं, साबुन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बड़ा भी है तो अब क्या लगाऊं एंड में. वेरी नाइस. अब मेरे बच्चे ये बताएंगे, मैं कुछ वर्ड लिखूंगी और आप रीड करेंगे, ठीक है. क्या है ये, टॉप, इसमें क्या साउंड है, फोनिक साउंड है या लेटर साउंड है, फोनिक साउंड. वेरी गुड. अब मेरे को बताइए आपको समझ आया मेरे बच्चों, रामनगर के सेंटर के बच्चे बेटा आप लोगों को समझ आया, गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए तो आगे बढ़े फिर अब. अब तो आ गया सॉन्ग, कहता है ओ डिड यू सी द बिली गोट, ओ ओ ओ ओ डिड यू सी द बिली गोट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ डिड यू सी द बिली गोट अंडर द ओल्ड ओक ट्री, अंडर द ओल्ड ओक ट्री. देखो यहाँ पे ओ यू गोट यू गोट ओक, कहता है क्या आपने गोट को देखा, बिली गोट होता है जैसे बॉय और गर्ल होता है वैसे ही एनिमल्स में भी बॉय और गर्ल होता है, अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है. तो जो मेल गोट होता है, जो बॉय गोट होता है उसे हम बिली गोट बोलते हैं. तो कहते हैं ओ डिड यू सी द बिली गोट, क्या आपने बिली गोट को देखा, ओ ओ ओ क्या बिली गोट को देखा अंडर द ओल्ड ओक ट्री. ओक ट्री जैसे हमारा मैंगो का पेड़ होता है, एप्पल का ट्री होता है ना, पपाया का ट्री होता है, वैसे ही एक ओक ट्री भी होता है, बनाना वैसे ही एक ओक ट्री भी होता है. ओक भी एक तरह का ट्री है जिसका नाम है ओक ट्री. अब ध्यान से सुनेंगे, सुनो सब. ओ डिड यू सी द बिली गोट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ डिड यू सी द बिली गोट अंडर द ओल्ड ओक ट्री. तो क्या सॉन्ग है, डिड यू सी द बिली गोट. व्हेन द लेटर्स अ एंड अ go together in a word, we say O. 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 Here is the song for O. O. Oh, did you see the billy goat? Oh, 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 oh. Oh, did you see the billy goat under the old oak tree? Let's look at some words for oh. अब देखो ये कुछ वर्ड्स बताएगा. Boat. B. Oat. आपने यहाँ पे ये देखना है कि वो कैसे रीड कर रहा है. B. Boat. तो ऐसे ही हमें रीड करना चाहिए.
boat. Soap. 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 Goat. 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 Coat. 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 This has been O. O. Hello and welcome to Little Learners. In today's video, we are looking at the digraph O. O and A, O and A, which come together to make the sound O. Let's look at some words. G. O. T. Goat. Let's try that again. G. O. T. Goat. Let's look at the next word. R. O. D. Road. Let's sound it out one more time. R. O. D. Road. We are on the road to success. Let's look at the next word. हाँ, ये रामनगर सेंटर जैसे वो रीड करे थी वैसे रीड करिए. सबसे पहले क्या रीड करेंगे पढ़िए. नहीं सारे नहीं पढ़ रहे. सप नहीं है तो क्या है ये. नेक्स्ट संगमवाड़ी सेंटर रेडी हो जाइए और नेक्स्ट वर्ड के लिए रेडी रहेगा मैडम पढ़ने के लिए. Soap. Shall we try that one more time? S-O-P. Soap. Good job. Let's look at the next word. Sangamwadi Center, read. Nahi. Kaise bola maine read karne ke liye? Very good. Kaise read karna hai? पहला लेटर का साउंड क्या है. हाँ लास्ट लेटर का साउंड क्या है. ओ हो रोशनी एक बार पढ़ के सुनाओ सबको. कम हियर. कोट. वेरी गुड. सिट डाउन. कोट. Coat. Coat. Let's sound it out one more time. Coat. Coat. Let's sound out another word. Mandi girl, mandi. Aliya. अब ये कौन read करेगा? मुझे कोई एक बच्चा चाहिए ये read. बोलो ना लेकिन एक एक बताओ. हाँ कैसे रीड करेंगे. वेरी गुड. जरा रीड करके बताओ. पहला लेटर टी. टी नहीं साउंड. फिर ये दो ओ. उसके बाद और फिर वेरी गुड. तो ठ ओ टोस्ट. वेरी गुड वेरी गुड. सिट डाउन. टोस्ट. टोस्ट. शैल वी ट्राई दैट वन मोर टाइम. ओ टोस्ट. दैट वाज ट्रिकी. Let's look at the next word.
Let's look at the next word. Float. Float. Shall we try that one more time? Float. Float. Well done. And that concludes all of our O words. चलिए क्या है ये क्या साउंड है ये क्या मिल गया क्या बन गया ओके ओके ये नहीं ओ ओ ओक क्या होता है पेड़ ओक ट्री ये एक पेड़ का नाम है जैसे मैंगो ट्री है एप्पल ट्री है पपाया ट्री है ऑरेंज ट्री है वैसे ही एक ट्री है जिसका नाम है ओक ट्री क्या नाम है और इसके ऊपर जो फल उगता है उसे हम कहते हैं एकॉर्न क्या कहते हैं ये भी एक तरह का पेड़ है ओक ट्री ओके ये रीड करिए अभी पहले करो कार्तिक ओ क्या बन गया वेरी गुड क्या है रीड करिए नहीं क्या बना थ नहीं है ये थ नहीं बोलते हैं इसको को को अब पढ़िए क्या साउंड है वेरी गुड ग के बाद आ क्या गो क्या बना गॉड कैसे बन गया ओ और ए का क्या साउंड है ओ ओ ओ गो क्या बना ये गोट क्या बना गोट गॉट नहीं गोट क्या बना ये पढ़िए क्या साउंड है क्या बना ये ओ और ये मिल गया तो क्या बना गोल क्या बना गोल और ये क्या है गोल क्या है क्या बना ये क्या बना ये टॉप नहीं होता है और ए का क्या साउंड है सोप सोप नहीं सोप सोप क्या बना ये क्या साउंड है रामनगर सेंटर मैम जरा बच्चों को बोलिए पढ़ने के लिए बोलो ओ तो क्या बनाइए ट ओ ओ वेरी गुड चलिए चलो जरा खड़े हो जाओ सारे सबको नींद आ रही है लग रहा है अभी सबकी नींद भाग जाएगी कोई बात नहीं सबको दिखना चाहिए बस
इधर से अरे पीछे उनको ने गिफ्ट है इसलिए इधर से सुन कर Healthy music for a child's heart, body, and mind. Move and Freeze from the award-winning CD Brain Boogie Boosters by The Learning Station. Come on, move and freeze. Come on, move. Come on, move and freeze. Come on, move and freeze. Put your right hand on your left knee, your left hand on your right. Your knees move in and out, your hands stay tight. Now keep on with your moving, but switch hands on your knees. Keep on moving in and out till we say freeze. Come on, move and 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 freeze. Put one hand across your shoulder, one hand across your back. Now jump in place. Do you like it like that? Yeah! Now switch hands across your shoulders and switch hands across your back. Now just be nimble, just be quick, just like Jack. Come on, jump and freeze. 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 Everybody shake your body from your head down to your feet. And don't stop shaking until we stop the beat. Shake it to the east and shake it to the west. Shake it, shake it, shake it with my friends who are the best. Come on, shake and freeze. 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 Put your right hand on your head, your left on someone's knee. Now turn once in a circle and buzz like a bee. Now turn the other way, don't let go or lose your spot. Keep turning left, keep turning right until the music stops. Come on, turn and freeze. 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 All right, you can move now. Okay, very good. Riddle time. Which way's... Wait, wait, wait. Idhar dekhne ka hai. Are? नहीं लिखने का है बैठो अच्छा आप ध्यान से देखेंगे ये आपको मैं काम भेजूंगी ये आपने करना है ये वैसे ही वर्ड बनाने हैं क्या है ये देखो और अ ब ब और अ मिलके क्या बना मिलके क्या बना ल आपको इनको बताना पड़ेगा ये इनके बच्चों के लिए होमवर्क है आपको इनको समझाना पड़ेगा ये फाइव ब्लेंड्स हैं आप या तो नोट कर लीजिए या ये मैं पेज भेज दूंगी आपको तो बी एल क्या बनता है ब्ल प और ल मिलता है तो क्या बनता है ब्ल क्या बनता है ब्ल और सी और एल मिलता है तो क्या बनता है वेरी गुड रोशनी इधर आओ कार्तिक आप भी आओ दोनों इतने खड़े हो जाओ
और जरा सबको बताइए, एक एक ट्रेंड आता जाएगा, बताइए अब ये क्या है। वेरी गुड, नेक्स्ट। वेरी नाइस, नेक्स्ट वन। वेरी गुड। अब अगर हमने कोई वर्ड लिखना हो ग्ल से, लेट से हमें यहाँ ग्ल ले लेते हैं, ग्ल ल, क्या लिख सकते हैं? ल, ब्लैंड। वेरी गुड। ब्लैंड क्या होता है? ब्लैंड क्या होता है? ब्लैंड वर्ड तो है पर उसका मतलब क्या है? ब्ल एंड ब्लैंड मतलब फीका, जिसमें कोई मसाला मसाला नहीं, फीका खाना एकदम ब्लैंड। देखो नहीं सर, ब्लैंड। ओके और क्या होता है ब्ल से, कौन बताएगा? ब्लैक। वेरी गुड। क्या होगा? ब्लैक। ब्लैक ब्ल के बाद क्या लगाएंगे? ब्लैक। क्या लगाऊं ब्ल के बाद? ए। वेरी गुड। उसके बाद ब्लैक। तो ऐसे कि आपने आपने वर्ड बनाए दो या तीन वर्ड्स, हर ब्लेंड से आपने ऐसे वर्ड्स बनाने, ठीक है? ये मैं देख दूंगी, कोई बात नहीं। टीचर यू मे हैव टू गाइड देम। यस मैम, यस। तो आप चिंता नहीं करना, ये मैं भेज दूंगी बेटा। कौन सबका ये? वेरी गुड, वेरी गुड। और एक बार हम जब ये कर लेंगे बेटा, उसके बाद मैं आपको एक दो वर्कशीट्स भी भेजूंगी जो आप प्रैक्टिस करें, पर पहले हम ये करेंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या आप जो हमने पढ़ा ओ ए आपकी समझ में आ गया? अब अगर मैं आपको साउंड से वर्ड बोलूं तो आप लिख सकोगे? ट्यूजडे को हम थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक सरप्राइज बख्शीत करेंगे, ठीक है? तो इसके साथ ही आज की क्लास खत्म। वी विल मीट ऑन